आगर मालवा से हमें बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ बारिश ने बढ़ाई है किसानों की चिंता। किसानों की कटी हुई फसलें खेतों में पड़ी हैं। मौसम का बिगड़ा मिजाज किसानों की बना मुसीबत। तो आपको बता दें, आगर मालवा में मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश हो रही है, और मौसम विभाग की तरफ से लगभग 7 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आगर से प्रदीप चौबे जुड़ रहे हैं। आगर से, आगर में क्या कुछ व्यवस्था है, क्या बारिश ने कितना किसानों का नुकसान किया है? खबर है कि खेतों में अभी फसलें कटी हुई पड़ी हैं। जी संगीता जी, मैं बताना चाहूंगा कि आगर मालवा जिले में अर्धरात्रि से काफी बारिश हुई है, और जिससे किसानों की कटी हुई फसलें बर्बाद होने का कयास लगाया जा रहा है। पहले ही फसल में रोग लगे हुए थे जिसके कारण फसलें किसानों की बर्बाद हो चुकी थी। बची हुई फसलें बारिश के चलते कहीं ना कहीं किसानों को इसका भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। जी संगीता जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, किसानों की चिंता बढ़ गई है बारिश के बाद से, क्योंकि खेतों पर फसलें कटी हुई रखी हैं, और कोरोना के साथ साथ अब किसानों पर बाढ़ का भी ये कहर है। लगातार बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हुए, और अब फिर देर रात से बारिश का कहर लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों पर है, जिसकी वजह से अब किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। खेतों में फसलें जो हैं वो नुकसान हो रहा है उनका, और अब किसानों की एक नई मुसीबत है।